और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध जारी है। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे डॉक्टर्स, काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे डॉक्टर्स, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ना सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर, जबलपुर और शहडोल के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली, डीएससीपी नीति लागू करने की मांग इन डॉक्टर्स की है। बीते 2 मई तक समय यहां पर दिया गया है और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हड़ताल पर चले जाएंगे। बीते 2 महीने से लगातार प्रदर्शन जारी है। 17 फरवरी को आश्वासन मिला था, उसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन अभी भी हड़ताल लगातार जो है उसको लेकर चेतावनी जारी है। ऐसे में आज काली पट्टी बांधकर अब काम करेंगे डॉक्टर्स, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विरोध लगातार जारी है, लंबे वक्त से पुरानी पेंशन बहाली और तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं, सरकार के सामने अपनी मांग रखते आए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें अब डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध जारी है, ना सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर, जबलपुर में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। चलेंगे इंदौर, बात करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा से। हेमंत, डॉक्टर्स की हड़ताल की चेतावनी, फिलहाल काम बंद करने से हालात इंदौर में बने हुए हैं, कितना असर पड़ेगा मरीजों पर, उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर इंदौर में? हेमंत से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन तस्वीर आपको दिखा दें, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर मरीजों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ना सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे तमाम बड़े महानगरों में इसका सीधा असर पड़ेगा। 2 मई तक मांगे पूरी नहीं होने पर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, ये चेतावनी डॉक्टर्स दे रहे हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन इनका देखने को मिला था और अब 2 मई तक का अल्टीमेटम डॉक्टर्स ने दिया है। अगर मांगों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो 2 मई के बाद में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। 17 फरवरी को इन्हें आश्वासन दिया गया था। चलेंगे एक बार फिर राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स की हड़ताल का कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा अगर हड़ताल पर जाते हैं तो, और आज कैसा विरोध? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तमाम डॉक्टरों ने बैठक करी थी और बैठक के बाद यह फैसला लिया था कि 2 मई से वो हड़ताल पर चले जाएंगे, और हड़ताल पर गए तो मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इन सब के बीच आज ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ट्रेलर दिखाते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंदौर, जबलपुर और शहडोल के डॉक्टरों ने आज फैसला ये लिया है कि वो काली पट्टी बांध कर काम करेंगे। भोपाल में तो डॉक्टरों ने यह फैसला नहीं लिया है, डॉक्टरों का यह कहना है भोपाल के तो कि हम 2 मई से ही सीधे हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी को एक बैठक की गई थी और उसी दिन हड़ताल पर चले गए थे डॉक्टर, और करीब 3 से 4 घंटे उनकी ये हड़ताल रही थी और उसमें हमने देखा था कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हुई थी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ था, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ था और बैठकों के दौर के बाद डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं, खासकर 3 महत्वपूर्ण मांगों की बात की जाए, ओल्ड पेंशन, इसके अलावा अधिकारियों की दखलअंदाजी डॉक्टरों के काम में बंद हो, इसके अलावा केंद्र की एक प्रमोशन नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग की जा रही थी, और ये 3 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ही अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी शुभम समझौता नहीं हुआ है स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के बीच। और ये कह सकते हैं कि आज एक तरीके से ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है, डॉक्टरों की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई सरकार पर कि अगर अब भी आप नहीं चाहते तो 2 मई से तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के तमाम उन मरीजों को जिनको इलाज के लिए दर दर भटकना होगा जब वो अस्पताल पहुंचेंगे इलाज के लिए। शुभम, वादा खिलाफी का आरोप यहां पर लगातार शब्बीर डॉक्टर्स लगाते नजर आ रहे हैं, जरा इंदौर में किस तरह के हालात हैं वो भी जान लेते हैं सहयोगी हेमंत शर्मा से। हेमंत, 17 फरवरी को आश्वासन मिला था डॉक्टर्स को, लेकिन अब तक मांगों पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया, एक बार फिर से आंदोलन हड़ताल जैसे हालात इंदौर में देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल शुभ, जिस तरीके से प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज है जिसमें 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स है, उसमें इंदौर भी शामिल है, इंदौर में भी बड़ा मेडिकल कॉलेज है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भी डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, अपनी मांगे की थी कि जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली की जाए, 7वां वेतन आयोग जो है उसको लेकर मांग की गई थी, और प्रशासनिक दखलअंदाजी जो है उसको लेकर भी यहाँ पर कहा गया था कि प्रशासनिक दखलअंदाजी यहाँ पर हटा दी जाए। तो देखिए, जिस तरीके से प्रशासनिक दखलअंदाजी जो है वो फिलहाल लगातार इनको की जा रही है, जिससे वो डॉक्टर कहीं ना कहीं नाराज है, डॉक्टर जो है अपना दर्द जो है मरीजों के पर्चे पर भी लिखते नजर आ रहे हैं, पर्चे पर लिख रहे हैं कि उनका क्या दर्द है। डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो उसके लिए दवाई लिखता है, लेकिन इंदौर में देखा गया है कि पर्चे के ऊपर वो अपना दर्द लिखकर बता रहे हैं कि वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो अगर इंदौर के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो इंदौर के जो बड़े अस्पताल है जैसे महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल यानी एनवाई की बात की जाए तो एनवाई हॉस्पिटल में
हजारों की संख्या में मरीज भर्ती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो चरमराएंगी। और अभी चरणबद्ध आंदोलन जो डॉक्टर्स का जारी है उसमें फिलहाल आज काली पट्टी बांधकर डॉक्टर यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। अभी काम किया जा रहा है लेकिन जिस तरीके से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ सकती है शुभम। तो बिल्कुल हेमंत, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन विरोध देखने को मिल रहा है, चेतावनी डॉक्टर्स लगातार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों पर विचार करती है। बहुत शुक्रिया सहयोगी हेमंत शर्मा। शब्बीर, आप लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। तो इधर डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर देखने को मिल रहा है।